सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निजावाए दीदार अता करना। दीदार होना कि मैं दीदार नबी होगा, जहरा से वफा करना। हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका राजा डॉलर व्लॉग्स में खुश आमदीद है। तो आज हम मौजूद हैं तहसील गुजर खान के गांव कोंत्रीला में, जिसका आप पीछे देख सकते हैं इमाम बारगाह के बाहर मौजूद है। और आपको बताता चलूँ, ये वो वाहिद इमाम बारगाह है पंजाब का जिसमें तामीर के दौरान सखियों ने इधर से ख़जाना अता फरमाया था। और आएँ आपको मज़ीद इस इमाम बारगाह के बारे में बताते हैं, अंदर चलते हैं और इस इमाम बारगाह का आपको मज़ीद विज़िट कराते हैं। आज दीदार नबी होगा, जहरा से वफा करना, नाराज हो जहरा तो है फजूल दुआ कहना। कितिया कमली नहीं तन पे मेरे, जी तो व्यूअर्स ये इस टाइम मैं मौजूद हूँ इमाम बारगाह के उस मेंबर के ऊपर जहाज पर उलमा और ज़ाकरीन अपना खिताब करते हैं इसके अंदर, इमाम बारगाह के अंदर। और माजर के साथ आगे आपको मैं बता नहीं सका, इस इमाम बारगाह का नाम है कसरे जैनब, कसरे जैनब सलामुल्लाह अलैह के नाम से इस इमाम बारगाह का नाम है। और ये वो हाल है जहाँ के अंदर उलमा और ज़ाकरीन अपना खिताब करते हैं और आगे आज़ादारान मज़लूम करबला बैठ कर इधर जिक्र सुनते हैं। या आप अगर कैमरा मैन दिखा सकें तो सारा हाल ज़रा दिखा दें प्लीज़। और ये पीछे ये अलम पाक लगे हुए हैं, इनको भी ज़रा फोकस करके प्लीज़ आप दिखा दें। और ये भी आपको बता दूँ कि यहाँ पे कदीमी आज़ादारी के प्रोग्राम इधर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आए मैं अब आपको वो जगह दिखाता हूँ व्यूअर्स, जहाँ पर जहाँ से ख़जाना अता हुआ था तामीर के दौरान। आए और वो वाकया भी आपको बताता हूँ। इधर आए, ये हम उस पिलर के पास खड़े हैं जहाँ से सखियों ने ख़जाना अता किया था। और अब मैं आपको इसकी कम्प्लीट स्टोरी बताता चलूँ, तो हुआ कुछ यूँ था कि यहाँ पर तामीर का काम जारी था और तामीर का काम के दौरान कुदरती मतलब एक रूटीन वाइज चेकअप के अलावा ना इंजीनियर साहब इधर आते हैं, ठीक है। इंजीनियर साहब आते हैं, विज़िट कर रहे होते हैं कि हाँ काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। तो उस टाइम ये पिलर जो था, ये अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये इस मुकाम पर था, ठीक है, इस मुकाम पर यह पिलर बनाया गया था। तो वो आते हैं, उसने आके देखा जब इधर के काम वगैरह, तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, अगर ये पिलर यहाँ पर होगा तो जो लोग बैठेंगे मजलिस वगैरह सुनने के लिए, उनको जाकिर को देखने में और जाकिर को उनसे मुखातिब होने में थोड़ी सी जो है ना वो दरमियान में एक दीवार सी आ जाती है, ठीक है। तो अगर क्यों ना हम इस पिलर को यहाँ से उठा के कुछ फुट के फासले पे या इस जगह पे अगर हम ये पिलर रखे जाए तो वहाँ से क्लियर व्यू भी हो जाएगा और सब लोगों को मजलिस वगैरह बहुत बेहतरीन तरीके से सुनने को मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, ठीक कर दिया इस चीज़ अबेंडमेंट कर दी। जब उस पिलर को यहाँ पर इस पिलर की खुदाई के लिए काम शुरू किया गया, तो खुदाई के दौरान काम स्टार्ट था तो यहाँ से नीचे से एक सोने की तिजोरी मिली जिसके अंदर काफ़ी सारे सोने के सिक्के थे और बहुत ही कदीमी दौर का जो खजाना किसी ने छुपाया हुआ था वो अगर आप देख सकते हैं, पिछला व्लॉग जिसमें बख्शी राम सिंह का भी जिक्र किया गया था, यहाँ पर ये कदीमी ये इलाका है जहाँ पर कदीमी इमारात वाक़ हैं। इस वजह से यहाँ से नीचे से फिर सोना निकलता है और यहाँ से लब्बाए क्या हुसैन और नारा हैदरी की सदाएँ बुलंद हो जाती हैं कि सखियों ने खजाना अता कर दिया। और फिर यहाँ के जो करते धरते हैं, जो यहाँ के इंतजामी अमूर के जो सारी देखभाल करते हैं, उन्होंने फिर वो सारा खजाना जो था इस इमाम बारगाह की तामीर में वक्फ किया। तो ये तो यहाँ का ओवरव्यू आया, आपको दिखाते हैं कि जो औरतों के लिए ऊपर हाल बनाया गया वो कैसा है। आ जाए कमली ये ख्वातीन का हॉल है जो ऊपर सेकंड पोर्शन के ऊपर वाकई है और यहाँ से जो है ख्वातीन बैठते हैं मजलिस वगैरह जब भी होती है वो सुनती हैं। आप जैसा कि वो सामने भी देख सकते हैं उधर पोस्टर वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पर जब मजलिस अदा का इहतमाम होता है तो इधर सामने प्रोजेक्टर लगता है जहाँ के ऊपर स्क्रीन होती है, नीचे जो भी उलमा जाकर खिताब फरमा रहा होता है इधर सामने वो यहाँ पर नज़र आता है।
और इसके अलावा यहाँ के जो इंतजामिया अमूर हैं वो अंजुमन सिपाही अब्बास कोंत्रीला के स्पुर्द हैं, उन्होंने संभाले में सिक्योरिटी का इंतजाम और सब कुछ जो भी मामला आते हैं। तो ये है यहाँ औरतों का हाल है, और कदीमी आज़ादारी की वजह से ये जगह बहुत मशहूर है कोंत्रीला गाँव, और यहाँ पर बहुत ही आज़ादारी के कदीमी प्रोग्राम होते हैं, मजलिस जश्न और जो कुछ आप कह सकते हैं सब इस बरगाह में बहुत मशहूर वाक़ होते हैं। आए अब हम आगे चलते हैं। सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना, जब वक्त निजावाए दीदार अता करना, दीदार नबी होगा सहरा से वफा करना, दीदार नबी होगा जहरा से वफा करना, नाराज हो जहरा तो है फजूल दुआ करना। कमली नहीं तालिबे में जी। तो व्यूअर्स इसके साथ ही आज का व्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स के लिए मज़ीद आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, उसकी अब अपील तो करनी नहीं चाहिए, आप वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी मिनटों में कराए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंटेंट भी अच्छा लगा होगा, और हमारी कोशिश है कि आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहें, और दुआओं में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है कि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन से आप आगाह रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।